हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राज घर पे। मेरा जो लास्ट ब्लॉग था वो था इवनिंग ब्लॉग, तो उसमें मैंने जो भी मेरा इवनिंग का रूटीन रहता है वो आपके साथ शेयर किया। और मेरा जो ये मॉर्निंग ब्लॉग है वो उसी का कंटिन्यूस पार्ट है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी उसके बाद में जो मेरा रूटीन रहा वो मैंने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। आई होप यू लाइक दिस। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मैं उठ के झाड़ू पोछे कर चुकी हूँ। झाड़ू पोछे करने के बाद में मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया क्योंकि खाना बनाना था मुझे। खाने के लिए मैंने पूछा मम्मी जी से कि क्या बनाए, सजेशन मांगा, तो उन्होंने कहा कि लौकी रखी है लेकिन लौकी की सब्ज़ी पापा जी नहीं खाएंगे। तो सोचा फिर क्या करें इस लौकी का, कितने दिन से फ्रिज में रखी थी, तो फिर सोचा चलो लौकी का हलवा ही बना लेते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का हलवा। वैसे तो लौकी की सब्ज़ी भी अच्छी बनती है बट हलवा भी कुछ कम नहीं बनता। और लौकी के पकौड़े भी बनते हैं, ये तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही यूट्यूब पर किसी व्लॉग में देखा। वो भी किसी दिन ज़रूर ट्राई करूँगी। आप लोग सोच रहे हैं घूंघट निकाल के क्यों बैठी हूँ, घूंघट इसलिए क्योंकि पापा जी आ गए थे किसी काम से तो मैंने घूंघट निकाल लिया था। फिर उनके जाने के बाद में फिर से घूंघट हटा दिया क्योंकि मम्मी जी के सामने घूंघट रखना ज़रूरी नहीं है बट पापा जी आते हैं तो घूंघट निकाल लेती हूँ। जब तक मैंने लौकी किसके रेडी की, मम्मी जी ने सब्जी की तैयारी भी कर दी है, तो सोच रही हूँ जब हलवा चढ़ाऊँ तो साथ ही एक तरफ सब्जी भी चढ़ा दूँ। पहले मैं लौकी को कुकर में पकाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं पहले कुकर में डाल रही हूँ उस लौकी को। और इसके बाद में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मलाई, मैं मलाई डालती हूँ ताकि घी कम डालना पड़े और टेस्ट भी अच्छा होता है। उसके साथ थोड़ा सा दूध, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना आपको क्योंकि कुकर के अंदर बॉयल होकर उस लौकी का भी काफ़ी पानी हो जाएगा, तो इतना ज़रूरी नहीं होता ज़्यादा दूध डालें। और इसके बाद में जैसे ही मैं लौकी की सब लौकी का हलवा तैयार करने के लिए लौकी चढ़ा देती हूँ गैस पे पकने के लिए, तब तक सब्जी भी चढ़ा देती हूँ एक साइड। सब्जी मैंने जैसे आपको दिखाई दी थी किस चीज़ की सब्जी बनाने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, जिसकी तैयारी मम्मी जी ने पहले से कर रखी है। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है सब्जी बनाना। लोग सोच रहे हैं क्या कुकिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया, डोंट वरी गाइस, ये कुकिंग मैं डेली नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा मॉर्निंग व्लॉग है। तो मॉर्निंग व्लॉग में तो मॉर्निंग का रूटीन जो भी रहता है वो हाउसवाइफ के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में कुकिंग शामिल ज़रूर होता है। और ये मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन दिखा रही हूँ तो उसमें दिखाना ज़रूरी हो जाता है कि मैंने कुकिंग भी की है उसमें, अदरवाइज़ ये मेरा कोई कुकिंग स्पेशल कोई चैनल नहीं है और ना ही मैं आगे कुछ इतना स्पेशल अपलोड करने वाली कुकिंग से रिलेटेड। मेरी व्लॉग्स ही रहेंगे बट कुकिंग भी इसका एक पार्ट है रूटीन का। और जैसे मैंने इधर सब्जी बना दी, सब्जी बन रही है और इधर मैंने आटा लगा के तैयार कर दिया। देख लिया कितनी जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ मैं एक साथ, 3-3, 4-4 काम। अभी एक काम और ऐड हो जाएगा आप देखना आगे। लौकी तो बॉईल होके रेडी हो चुकी है तो अब बचा है लौकी का हलवा बनाना। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन तैयार कर दिए, पहले कढ़ाई रख दिए और उसमें सबसे पहले मैं घी यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि घी भी कम ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मलाई यूज़ कर ली थी इसमें। तो ये भी गर्म करने को रख दिया है। इधर सब्जी बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि इस तरफ का गैस खाली हो चुका है तो इस तरफ ही का गैस यूज़ कर लूँ क्योंकि वो थोड़ा मुझसे दूर पड़ जाता है तो हलवा बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैंने हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया है और साथ के साथ मैं बनाने वाली हूँ रोटियाँ भी क्योंकि एक तरफ जब हलवा पक रहा है इसका लौकी का पानी खप रहा है तब तक मैं रोटियाँ बना दूँगी। रोटियाँ मुझे ज़्यादा बनानी नहीं है 3 मेंबर्स की तो फटाफट बन जाएगी, इसलिए हलवे के साथ साथ ही मैंने इधर रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया। 1-3 काम हो रहे हैं यहाँ पे, एक काम तो हो चुका सब्जी वाला और 2 काम हो ही रहे हैं अभी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कुकिंग भी इतनी कर लूँगी क्योंकि बचपन से मुझे कोई शौक नहीं था कुकिंग का, मैं किचन में जाना भी पसंद नहीं करती थी। बट अब मैं सब कुछ काम कर रही हूँ, कुकिंग भी कर रही हूँ एंड ऑल, और ये भी एक लाइफ का पार्ट बन चुका है कुकिंग भी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था बट अब ठीक है, पसंद भी है, कर भी लेती हूँ। इवन जब मैं कॉलेज में आ गई थी तब तक मुझे खाना बनाना नहीं आता था,
जब इंगेजमेंट मेरी हो गई उसके बाद में थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा था, क्योंकि मैं किचन में जाना पसंद नहीं करती थी। वो मम्मी वगैरह कहते थे कि सीख ले आगे काम आएगा, बट मैं तो बस नहीं, देखेंगे आगे का आगे देखेंगे। अब आगे देख रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं। रोटी और सब्जी दोनों चीज़ें बन चुकी है, लेकिन हलवा है अभी तक नहीं बना। अब आते हैं फिर से खाने पे। लौकी अब पूरी तरह से पक चुकी है घी में, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी और ये हलवा बनके रेडी हो गया। जो चौथा काम मैं बता रही थी कि काम अभी बाकी रह गया, वो है मेरा चाय बनाना। जो सुबह की चाय थी वो तो हो गई थी, लेकिन जो सेकंड जो चाय होती है ना, वो बनाने में आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि मैं बीच में लौकी वगैरह किसी ने लगी। फिर मैं सच बताऊँ तो मैं भूल ही गई थी, फिर मुझे याद आया अरे सेकेंड चाय तो बनाई नहीं। तो अब बनाने लगी हूँ मैं सेकंड चाय, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं, पूरे दिन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, यहाँ तक की रिकॉर्डिंग है। अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।